गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 5 खतरनाक फोन बताने वाला हूँ जो कि इजीली आपको 20,000 से नीचे मिल रहा है, और सारे फोन जो है बेस्ट क्वालिटी के होने वाले दोस्तों। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग डिमांडिंग फोन है, तो हमें की करें सभी फोन्स के बारे में जान लेंगे दोस्तों। तो पहले हम बात करें दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M35 5G के बारे में, जो ये बहुत ज्यादा तगड़ा फोन है दोस्तों, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हो इसके बारे में, और इसको आप इसकी रेटिंग वगैरह बहुत तगड़ी, लोगों ने पॉजिटिव कमेंट इसे करे हुए, बहुत ज्यादा लोगों ने इसे बाय करा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे क्वालिटीज वगैरह फीचर्स वगैरह बहुत ही बेस्ट है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अगर इसके फीचर्स के बारे में, लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाता है हमें। तो कलर में मतलब देख लेते हैं, ग्रीन कलर ये मिल जाएगा, ठीक है, मिस्टिक ग्रीन मिल जाएगा। रैम यहाँ पे 6 GB रैम आपको मिल जाएगा, ठीक है, और इंटरनल देख लेते हैं यहाँ पे, तो इंटरनल हमें मिल जाता है 128 GB यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज इसमें मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे देखो 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, मेमोरी। और यहाँ पे आपको सिम मिल जाती है दोस्तों, और यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे SD स्लॉट भी दिया गया इस फोन के अंदर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले यहाँ पे 6.5 इंच का आपको मिल जाएगा, ठीक है, HD डिस्प्ले प्लस यहाँ पे 120Hz टच सैम्पलिंग रेट इसमें दिया गया, ठीक है। और हम अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 1080x2400 पिक्सल का यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन दिया गया, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक, किसी भी फोन के लिए। और ये गोरिल्ला ग्लास 5 के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे कैमरा जो 4 दिए गए, ठीक है, 50 MP प्लस 5 MP प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, 4 कैमरा इस फोन में दिए गए, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोन मुझे तो लग रहा है, ठीक है, कैमरा वगैरह बहुत ज्यादा तगड़ा दिख रहा है इसमें, ठीक है। एंड्रॉइड वर्जन इसका 12 है, ठीक है, और One UI 4.1 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें दिया गया है। और प्रोसेसर की हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे जाइनोस 1280 ऑक्टा कोर 2.4 GHz 5 nm का प्रोसेसर यहाँ पे दिया गया, विथ 12 बैंड सपोर्ट के साथ यहाँ पे दिया गया प्रोसेसर इसमें, ठीक है। 6000 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है फोन के अंदर, बहुत ही ज्यादा चलने वाली बैटरी है। बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है, हैंडसेट, इजेक्शन पॉइंट, डेटा केबल और मैनुअल दिया गया है इस बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रांड वारंटी के साथ ये फोन आप तक पहुंचेगा, ऑनलाइन पेमेंट करके फोन बाय कर सकते हो, ठीक है। EMI ऑप्शन वगैरह भी अवेलेबल है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी यहाँ पे अवेलेबल है, फीचर्स वगैरह तगड़े हैं, तो आप इसे बाय कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप बाय कर सकते हो इसे। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट फोन होने वाला है वो है Vivo Y73, ठीक है, हर कोई इसके बारे में जानता है Vivo Y73 कैसा फोन है, ठीक है, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिमांडिंग और ट्रेंडिंग फोन है, ठीक है, और काफी लोगों ने इसे बाय करा हुआ है, रेटिंग वगैरह जबरदस्त इसकी, ठीक है। तो हम लोग बात करें दोस्तों इसके फीचर्स के बारे में, देख लेते क्या क्या फीचर्स में मिलने वाला है और ये फोन हमें क्यों बाय करना चाहिए, तो हम लोग जान लेते हैं। कलर देखिए, यहाँ पे डायमंड फ्लेयर के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है, और रोमन ब्लैक भी मिल जाता है कलर में, ठीक है। और रैम की बात करें इसमें तो 8 GB रैम दिया गया है, इंटरनल 128 GB दिया गया है, ठीक है, तो रैम वगैरह तगड़ा है इसमें, आप ले सकते हो। और रैम को हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं 3 GB तक, और मतलब यहाँ पे 8 × 3 = 11 हो जाएंगे, हम बढ़ाना चाहें तो। 128 GB इंटरनल स्टोरेज इसमें दिया गया है, ठीक है, रैम और इंटरनल के बारे में बेस्ट फोन है, और यहाँ पे 128 GB तक इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं इंटरनल मेमोरी जो हमारी है। और यहाँ पे डुअल सिम दिया गया इसमें विथ 2 नैनो स्लॉट के साथ, ठीक है, डुअल स्टैंड बाय मोड भी दिया गया है, दोनों 4G सपोर्ट है। और यहाँ पे हम लोग स्लिम डिजाइन के साथ ही आपको मिल जाएगा, जो फोन है बहुत ज्यादा स्लिम है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 7.38 mm अल्ट्रा स्लिम डिजाइन, HD मैटिक ग्लास फिनिश के साथ ये फोन दिया गया है। और यहाँ तो बात कर लेगा डिस्प्ले के, तो यहाँ पे 6.5 इंच का AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। रेजोल्यूशन की बात कर ले, 2480 पिक्सल का यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको दिया जाता है, जो कि बेस्ट है, वीडियो क्वालिटी के लिए बेहतरीन फोन है, ठीक है। और यहाँ पे कैमरा ट्रिपल आपको मिल जाएगा, ठीक है, 3 कैमरा मिल जाते हैं, 64 MP का कैमरा मिल जाएगा, 2 MP का, 2 MP का, ठीक है, तो कैमरा यहाँ पे 3 मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा 16 MP का दिया गया दोस्तों, और यहाँ पे डुअल व्यू वीडियो मोड फीचर जो इसमें दिया गया, ठीक है, LED फ्लैश भी दिया गया दोस्तों, और यहाँ पे सुपर नाइट मोड भी दिया गया, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे रात में भी तगड़ा काम करने वाला फोन, कैमरा वगैरह तगड़ा है, ठीक है। यहाँ पे OS की बात करें तो फ्रंट टच का है, ठीक है, 11.1, और यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन हमारा 11 है, ठीक है। हेलियो G95 ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें दिया गया है फोन में, बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, आप कितना भी चलाओ, कोई भी तरह का एप्लीकेशन यूज करो, कुछ भी करो, नहीं मतलब हैंग नहीं करने वाला। यहाँ पे बैटरी हम लोग देख लेते हैं, 4000 mAh की बैटरी 33W फ्लैश चार्जिंग साथ मिलने वाली है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हैंडसेट तो मिलेगा, बोले चार्जर, ईयरफोन टाइप सी, यहाँ पे USB केबल भी मिलेगा, ठीक है, चार्जर वगैरह सब मिलेगा, यहाँ पे सिम इजेक्ट टूल, और यहाँ पे वारंटी कार्ड दिया जाएगा, ठीक है, मैनुअल भी दिया जाएगा, सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और ये फोन आपको स्टैंडर्ड ब्रांड वारंटी के साथ मिल जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन आप ले सकते हो, EMI वगैरह इसमें ऑप्शन जो है अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हो, रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी अवेलेबल है, तो ये आप बाय कर सकते हो। अगर आपको बाय करना है तो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप इजीली से बाय कर सकते हो दोस्तों। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट फोन होने वाला है वो Redmi Note 10 Pro है, ठीक है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा डिमांडिंग और ट्रेंडिंग फोन है, लोगों ने बहुत ज्यादा इसे बाय करा हुआ है, और बहुत तगड़ा चलने वाला फोन है, ठीक है, हर चीज में बेस्ट है। हम लोग बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर हमें मिलने वाला है वो हम लोग जान लेते हैं।
तो यहाँ पे कलर में हम बात करते हैं, यहाँ पे डार्क नेबुला और यहाँ पे डार्क नाइट कलर यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। कलर में बहुत तगड़े लग रहे हैं कलर यहाँ पे, ग्लेशियल ब्लू, विंटेज ब्रॉन्ज, ठीक है। ये वाला लास्ट वाला मुझे बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है, ठीक है। और डिस्प्ले में यहाँ पे देख ले, एमोल डॉट डिस्प्ले मिल जाएगा, और यहाँ पे साइज डिस्प्ले का 6.5 इंच का मिल जाएगा, ज्यादा ही है, 20:9 एक्सपेक्ट रेशियो वाला यहाँ पे डिस्प्ले आपको मिल जाता है। ये सारे डिस्प्ले के फीचर्स हो गए, हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर क्या होने वाला इस फोन में। स्क्रीन फीचर की बात करें तो यहाँ पे जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 120 हर्ज का है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। रियर कैमरा की बात करें तो कैमरा में यहाँ पे 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल टेली माइक्रो एंड पोर्ट्रेट लेंस के साथ यहाँ पे कैमरा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा हमें दिया गया इस फोन के अंदर। फ्रंट कैमरा में देख लेते हैं, यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, ठीक है। कैमरा स्पेसिफिकेशन में देख लेते हैं, HDR10 सपोर्ट के साथ यहाँ पे कैमरा स्पेसिफिकेशन दिया गया, और यहाँ पे बैटरी देख ले 5020 mAh की यहाँ पे लार्ज बैटरी दी गई दोस्तों। और हम लोग बात कर ले मेमोरी की, तो यहाँ पे 128 GB का जो स्टोरेज हमें मिल जाएगा इंटरनल, और रैम यहाँ पे 6 GB आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस फोन में। तो रैम वगैरह तगड़ा है, और यहाँ पे SD कार्ड आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे इंटरनल को जो है एक्सपेंड कर सकते हो, 512 GB तक यहाँ बढ़ा सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे 2.3 GHz का जो प्रोसेसर हमें दिया गया इस फोन के अंदर, और यहाँ पे टाइप सी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। डुअल स्टैंड बाय मोड दिया गया है, 4G+4G, ठीक है, दोनों 4G सपोर्ट के साथ यहाँ पे डुअल स्टैंड बाय मोड दिया गया है दोस्तों। अगर मैं बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, काइरोस 470 ऑक्टा कोर प्रोसेसर विथ 8 नैनोमीटर प्रोसेसर के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोसेसर। तो ये इसकी प्रोसेसर डिटेल थी जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है। और हम लोग बात करें इसके सेल विजन के बारे में, तो यहाँ पे को मिल जाता है डुअल स्टूडियो स्पीकर फॉर इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस, ठीक है। तो डुअल स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो गोरिल्ला ग्लास 5 के द्वारा जो है प्रोटेक्ट करी गई है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इस फोन में आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। मेन कैमरा हमारा 64 मेगापिक्सल होगा, और बाकी सारे होंगे हमारा, एक होगा 8 मेगापिक्सल का, ठीक है, और यहाँ पे जो और कैमरा होंगे, थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, ठीक है, और जो हमारा लास्ट वाला कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का है, ठीक है। तो अलग अलग इनकी क्वालिटी, अलग अलग फीचर है कैमरे के, ठीक है। तो और हम देख लेते हैं यहाँ पे इस फिल्म में क्या क्या मिलने वाला है। 3.5 mm का यहाँ पे जैक मिल जाएगा, ठीक है, आई और ब्लास्टर मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे SD कार्ड भी यूज कर सकते हो इस फोन के अंदर। तो बॉक्स में आपको फोन मिल जाएगा, पावर अडाप्टर मिल जाएगा, USB केबल मिल जाएगा, और देख लेते हैं क्या क्या बॉक्स में मिल सकता है दोस्तों। सिम इजेक्ट टूल मिल जाएगा, वारंटी कार्ड, यूजर गाइड, ये सारी चीजें मिल जाएगी बॉक्स के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते, ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी दी गई है, तो ये काफी अच्छा लगा। और तो अगर ये फोन आपको अच्छा लगा, इसके फीचर्स आपको पसंद आया, तो आप बाय करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो उसे। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट फोन होने वाला है वो है Realme 9 आएगा, ठीक है। इसका मतलब देखने में काफी अच्छा लग रहा है, और बहुत ज्यादा डिमांडिंग फोन है, लोग इसे बहुत ज्यादा बाय कर रहे हैं। रेटिंग वगैरह इसके बहुत ज्यादा तगड़ी है, ठीक है, पॉजिटिव कमेंट लोगों ने कर रहे हैं यूज करने के बाद। तो जाहिर सी बात है, कोई पॉजिटिव कमेंट कब करता है, जब फोन मतलब अच्छा हो रही, कोई चीज अच्छी हो, तभी हम उसके बारे में अच्छा कहेंगे, ठीक है। तो ये फोन बहुत ज्यादा Realme का लोग बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो हम अगर बात करें इसके फीचर्स के बारे में, हम देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हमें मिलेगा इस फोन के अंदर। तो यहाँ पे डिस्प्ले हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 6.6 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, और स्क्रीन फीचर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले होगा फुल HD होगा, ठीक है, फुल HD+ डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया, डिस्प्ले बेस्ट है। और हम बात करें यहाँ पे कैमरे की, तो यहाँ पे कैमरा आपको 3 कैमरा यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है, 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, ठीक है। और हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी आपको यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। मेमोरी की बात करें, 6 GB RAM आपको मिल जाएगा फोन में, और यहाँ पे जो इसका इंटरनल स्टोरेज है वो देखते हैं कितना मिलता है, यहाँ पे 128 GB ROM है, ठीक है, और इससे हम 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंडेबल है, ठीक है। तो ये मुझे बेस्ट लगा, देखने में अच्छा लग रहा है। प्रोसेसर यहाँ पे देख सकते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर, ठीक है, क्वालकॉम का है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पावरफुल प्रोसेसर है। स्पेशल फीचर में यहाँ पे कैमरा, फ्रंट कैमरा, ये सारे हो गए हमारे, ठीक है। बॉक्स में क्या क्या मिल जाता है हमें देख लेते हैं, सिम ट्रे, इजेक्टर, ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है, फोन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर ये फोन आपको अच्छा लगा, इसके फीचर्स आपको पसंद आया, अगर आप बाय करना चाहते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप बाय कर सकते हो। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट फोन होने वाला है वो है सैमसंग गैलेक्सी M32 5G स्मार्टफोन, ठीक है, ये 5G है, ठीक है, और 5G नाम ही काफी है, ठीक है, लोगों के लिए कितना ज्यादा ट्रेंड हो सकता है लोगों के बीच में, तो ये भी काफी ट्रेंडिंग और डिमांडिंग फोन है, रेटिंग वगैरह तगड़ी है इसकी, ठीक है, तभी मैं इसको बता रहा हूँ आपके सामने, वरना बताता ही है अगर रेटिंग खराब होती। तो ये भी काफी अच्छा फोन है, सैमसंग का भी फोन बहुत चल रहा है मार्केट में। हम बात करें इसके फीचर्स के बारे में, देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स में मिल जाएगा इस फोन के अंदर। कलर में आपको स्काई ब्लू मिल जाएगा, और एक स्लेट ब्लैक मिल जाएगा, ठीक है, ये कलर मिल जाएंगे।
और यहाँ पे आपको वेरिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप 6 GB वाला चाहो 6 GB वाला ले सकते हो, ठीक है, जो कि ये बता रहा है 6 GB रैम वाला फोन है। और यहाँ पे अगर 8 GB वाला चाहो तो वो मिल जाएगा, लेकिन वो 20K से ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है, बजट का। तो ये अंडर 20K है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलर आपको मिल जाएंगे स्काई ब्लू, स्लेट ब्लैक, ठीक है, कलर का ही सुनिए कलर बेस्ट है। और यहाँ पे रैम जैसे मैंने कहा था 6 GB मिल जाएगा। इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे हमें मिल जाएगा 128 का, एक्सपेंडेबल है, 1 TB तक बढ़ा सकते हैं इसे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, और ये अपना समझना कि इसमें सिम वन ही है, मतलब एक ही सिम है, ऐसा कुछ नहीं है, दो सिम का डुअल सिम फोन है। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं हाइब्रिड स्लॉट दिखा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ 1 SIM भी रख सकते हो, 2 SIM भी रख सकते हो, आपको पर डिपेंड करता है। तो ये इस फोन में मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे हम डिस्प्ले देख लेते हैं, यहाँ पर 16.55 सेंटीमीटर का, 6.5 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाता है, इन्फिनिटी वी का डिस्प्ले इसमें दिया गया। रेजोल्यूशन देख लेते हैं, 720x1600 पिक्सल का यहाँ पर मिल जाएगा रेजोल्यूशन आपको। और ये जो है फोन प्रोटेक्टेड है गोरिल्ला ग्लास 5 के थ्रू। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, और यहाँ पे जायरो सेंसर, जियो मैग्नेटिक सेंसर, हॉल सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, वर्चुअल लाइट सेंसर, वर्चुअल प्रॉक्सिमीटर सेंसर, और यहाँ पे नॉक्स, ये सारी चीजें फीचर्स है, ठीक है। कई सारे सेंसर से इस फोन में मिल जाएंगे, तो कई सारे सेंसर से इसका मतलब इसमें क्वालिटी पता चलती है, ठीक है। वो आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे कितने ज्यादा क्वालिटी वाला फोन है, ठीक है। यहाँ पे 4 कैमरे आपको मिल जाते हैं, ठीक है, 3 तो ऐसे ही दिख रहा है, छोटा सा प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दूसरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, डेप्थ कैमरा यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का, माइक्रो कैमरा छोटा वाला जो है 2 मेगापिक्सल का, ठीक है। अपर्चर रेंज इसका जो 1.8 से लेके 2.4 तक है, ठीक है, जो कि बेस्ट होता है पिक्चर क्वालिटी के लिए, अपर्चर रेंज, ठीक है। फ्रंट कैमरा यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का है, और यहाँ पे जो है एंड्रॉइड जो OS है हमारा UI 3.1 है एंड्रॉइड, और हमारा वर्जन जो है 11.8, ठीक है। MediaTek यहाँ डायमेंसिटी दी गई है, और यहाँ पे प्रोसेसर जो हमारा वो 720 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2.2 GHz प्रोसेसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 GHz वाला प्रोसेसर मिल जाता है, ठीक है। और हम देख लेते हैं इस फोन में क्या क्या फीचर्स में मिल सकते हैं दोस्तों, तो ठीक है, यहाँ पे बैटरी देख सकते हो, लिथियम आयन की बैटरी आप मिल जाएगी 5000 mAh की, ठीक है, पावरफुल बैटरी है। बॉक्स में मिल जाएगा हैंडसेट मिल जाता है, और उसके बाद 15 W फास्ट चार्जिंग एडाप्टर, सिम ट्रे इजेक्टर, USB केबल और यूजर मैनुअल, ये सारी चीजें मिल जाएगी बॉक्स में। स्टैंडर्ड ब्रांड वारंटी के साथ ये फोन आप तक पहुंच जाएगा। EMI ऑप्शन अवेलेबल है, ऑनलाइन पे करके बाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी दी गई है, बेस्ट मुझे लगा, ठीक है, ये फोन बेहतरीन फोन है, तो आप इसे बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके इसे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। सारे फोन 20,000 से नीचे वाले हैं, बेस्ट एंड बेस्ट फोन आप बाय कर सकते हो, आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सारा जो मैंने ऐसे ही नहीं कर दिया, खुद ही आप देख लेना, इनकी रेटिंग पर बहुत तगड़ी पॉजिटिव कमेंट लोगों ने किए हुए हैं, बहुत लोगों ने, मतलब आप कहीं भी सर्च करोगे तो ये सबसे ऊपर ही आए हैं, ठीक है, टॉप रेटेड फोन है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी, इसमें कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो, ठीक है, तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, और अच्छे अच्छे गैजेट्स पे वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अगर और भी आपको गैजेट्स जो डेली यूज वाले गैजेट्स, खतरनाक वाले एकदम मैजिकल टाइप के कुछ गैजेट्स आपको चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो जल्द बनाने वाला हूँ, चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप वीडियो देख लें, फिर आप अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।